सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दिस वीडियो इज डन इन एसोसिएशन विद अनपब्लिशर्स एंड navang.com। चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अध्याय एक, युद्ध भूमि की रानी। हर बच्चा खिलौने के सिपाहियों की तरफ आकर्षित होता है। navang और उसके दोस्तों को भी खिलौने के सिपाही अच्छे लगते थे। navang और उसके दोस्तों ने इन छोटे खिलौनों का एक बक्सा खरीदा और उनके साथ खेलना शुरू किया, और ये ही खेल navang और उसके साथियों को सेना में भर्ती की ओर प्रेरित कर रहा था। उनमें हमेशा इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस होती थी कि इन खिलौनों में से किसके पास सबसे अच्छा खिलौना है। ऐसा नहीं है कि वे लड़ते थे, बल्कि अपने माता पिता को उनके लिए खूब सारे खिलौने खरीदने को कहते ताकि वे अपने खिलौनों के कलेक्शन में उसे जोड़ सके। उनके पास खिलौने के सिपाहियों से लेकर टैंक, पानी व ज़मीन पर चलने वाली जहाज, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर और यहाँ तक कि मिसाइल भी थी। लेकिन इन सब में इन्फेंट्री से जुड़े खिलौने ही थे जो navang को हमेशा उत्साहित करते थे, और navang अपने सैन्य रणनीति के कारण इन नकली खिलौने की लड़ाइयों में अपने दोस्तों को अक्सर मात दे देता था। हर बार जिस तरह से navang रणनीति बनाता था वो हमेशा सबसे बेहतरीन होती थी, जो उसे हर बार अपने दोस्त के साथ खेल में जीत दिलाया करती थी। हे, मैं जीत गया। अरे यार, फिर से नहीं। हमारे नए हथियारों के बावजूद भी हम हार गए। navang, क्या तुम हमें तुम्हारी तरकीब बता सकते हो? यह बहुत आसान है, बस याद रखो कि इन्फेंट्री युद्ध भूमि की रानी है। navang इन खेल की लड़ाइयों और सैनिकों के खिलौनों के साथ खेलकर खूब आनंद लिया करता था। युवा लड़के के रूप में navang यूनिफॉर्म के प्रति काफी ज्यादा आकर्षित था। उसे चार पॉकेटों वाली शर्ट पहनकर गले का बटन बंद करना काफी पसंद था। वह हमेशा सड़क पर चौकीदार सहित यूनिफॉर्म में दिखने वाले हर व्यक्ति को सलाम करता था। navang का घर दक्षिण मुंबई के क्षेत्र के एक अपार्टमेंट में था। navang अपनी छोटी उम्र में भी असामान्य बहादुरी का परिचय देता था, और अक्सर वह अपने दादा के बगल में सोने के लिए बीच रात में अकेले ही अंधेरी गलियारों से होकर उनके पास पहुंच जाता था। उसके दादाजी आश्चर्यचकित होकर पूछते, क्या तुम अंधेरे से नहीं डरते? मुझे आपको सुरक्षित जो रखना है, मैं कैसे डर सकता हूँ? navang अपने शेखर मासा से बहुत प्यार करता था, जो वायुसेना में थे। मैं वायुसेना में शामिल नहीं होऊंगा, मुझे तो आर्मी में जाना है। मस्त मौला और जिंदा दिल navang अक्सर अलग अलग खेल खेलते समय हमेशा अपने कुशल नेतृत्व को प्रदर्शित करता रहता। उसके इस दोस्ताना रवैये ने बहुत सारे दोस्तों को आकर्षित किया, जिनमें से कई अब भी उनके पूरे परिवार के साथ बेहद ही अच्छे और प्रेमपूर्ण संबंध बनाए हुए हैं। navang ने जय हिंद कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई खत्म की। वह ट्रैकिंग, हाइकिंग, खेल, मार्शल आर्ट्स, संगीत और पर्वतारोहण आदि रुचियां पसंद करते थे। खास करके पर्वतारोहण, जो निश्चित रूप से उनके खून में थी, क्योंकि वह प्रसिद्ध पर्वतारोही दंपति गीता और हरीश कपाड़िया के पुत्र थे। navang ने अपने जीवन को हमेशा जोश के साथ जिया, और खाना उनके सबसे बड़े जुनून में से एक था। वह किसी भी समय किसी को भी खाने की प्रतियोगिता में पछाड़ सकते थे। मुंबई की ग्रैंड मेडिकल कॉलेज, जो अपनी रैगिंग प्रथा के लिए प्रसिद्ध था, वहाँ navang अक्सर हॉस्टल में अपने करीबी दोस्त से मिलने जाते थे। navang अपने मजबूत और विशालकाय शरीर से सीनियर छात्रों को भी भयभीत कर देते थे, ताकि कोई भी उनके दोस्त को परेशान ना कर सके।